What's up guys, welcome to my YouTube channel. If you are new on the net and smash the subscribe button. आज मेरे को एक शख्स ने ये बताया कि मेरे व्लॉग चलते क्यों नहीं है. उसका रीजन ये है, मैं स्टार्टिंग में ही सारी इंग्लिश बोल देता हूँ, फिर बाद में बोलता नहीं हूँ. और ये बताया इन मैडम ने, ठीक है. और ये फिल्टर भी तगड़ा सा लग रहा है. आज हम कहाँ पे हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ. हमारा शूट चल रहा है, ठीक है. तो सीन ये है कि यार मैं घर बैठा हुआ था, खत्री भैया का मेरे पे फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे गाना शूट है और व्लॉग बना दे यार. मैंने कहा भैया मैं चार्जेस लूंगा. तो भैया ने कहा अभी तो पैसे वैसे कुछ है नहीं. तो मैंने कहा भैया मैं नहीं जा पाऊंगा. फिर भैया ने कहा प्लीज, मैंने कहा नहीं. फिर भैया ने कहा प्लीज, मैंने कहा नहीं. फिर भैया ने कहा फिर मैंने यार क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, घर की बात है. भाई पैसा दो मेरा यार. सीन ये है कि अभी हम जाने वाले हैं अपनी लोकेशन पे. मेकअप वगैरह चल रहा है, पहले सर का होगा फिर मैडम का होगा. और मैं तो डाइटिंग पे ही रहता हूँ, आपको पता ही है. ये आलू कचौड़ी पूड़ी ये सब तो मैं खाता नहीं हूँ. और मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ, है ना. झूठ तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ. तो गाइस अब गाइस एक और चीज बता दूं, जैसे ये है मेरी वीडियो चल रही है, ठीक है. तो मैंने हल्का सा कलर करेक्शन कर रखी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा ठीक लग रहा हूँ. लेकिन देखो जो भी है यार, जो भी है. और ये देखो, ये मतलब इनके चेहरे पे ही फिल्टर लग रहा है, इनको फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है. मैंने 3-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, तो मेरे को कमजोरी सी हो रही है. तो हल्की सी ब्लॉग में ना तो गाइस सीन ये है कि ब्लॉग में ना आपको शेकीनेस दिखेगी, क्योंकि कमजोरी की वजह से मेरे हाथ हिल रहे हैं. तो उसको थोड़ा वो करना नजरअंदाज. और ऐसे थोड़ी बोलते हैं जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ, सच नहीं बोलना होता हर जगह. मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारे सॉन्ग की फीमेल मॉडल से, फीमेल एक्ट्रेस, ओके, फीमेल एक्ट्रेस अपूर्वा भल्ला जी से. और भल्ला जी क्या हो रहे हैं, और हम दोनों ना थोड़े सेम से हैं, चबी चबी से. तो हम इतना ही फ्रेम लेते हैं, हम नीचे से नहीं देते, क्योंकि हम नीचे से काफी हैवी. वो यूट्यूब में ना नीचे देते आ भी नहीं सकता है इतना. कोई नहीं, चबी लोग ज्यादा अच्छे. तो आपको मैं दिखा, मैं तो फिट लग रही हूं. फिट हो आप. गाइज इनका इंस्टाग्राम हैंडल तो आप जानते होंगे, एक बार मेरे को प्लीज इस ब्लॉग में अंडरस्कोर भल्ला. वैसे तुम आप मुझे जानते ही होगे, बट स्टिल मैं बता दूं, अगर कुछ नए लड़के मुझे देख रहे हैं तो फॉलो करें. और वैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको पता ही है मैं किसी के साथ ब्लॉग नहीं बनाता, खाली अपूर्वा जी के साथ बनाता हूं. उसका रीजन ये है कि ये पेड प्रमोशन है, मैम ने मुझे बहुत मोटा पैसा दिया. आपको इनके नाम से ही पता चल गया होगा, अपूर्वा भल्ला. अभी हम जा रहे हैं गोवर्धन से बरसाना की ओर, और वहाँ पे राधा रानी जी का जो मंदिर है उसके ऊपर एक हवेली है, और वहाँ पे हम शूट करने वाले हैं. और गुस्सा भाई मेरे को बहुत आ रही है, खतर भी आ गया, क्योंकि मूड की स्टेज भी पड़ी है. मतलब इतनी सुंदर जगह, इतने बड़े बड़े हाईवे पे मैं चला रहा हूँ ऑल्टो CNG, और भैया चला रहे थार डीजल, और गौरव को दे दी है स्विफ्ट पेट्रोल, ठीक है. और एक हमारी प्रोडक्शन वाला जो टम्पू अम्पू होता है वो तो पहुंच चुका है वहां पे सारा प्रोडक्शन लेके. पर यार ऐसी जगह यार कोई ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं, अभी हम शूट कर लेते हैं, बाद में मैं खतरी भैया से हिसाब कर लूंगा पूरा. तो चलिए चलते हैं, हम तो दिखाते हैं रोड वगैरह, दिखाते हैं यहाँ की खेत वगैरह. तो गाइस सीन ये है, हम पहुंच चुके हैं पार्किंग पे, राधा रानी जी का जो मंदिर है वहाँ पे ना ई रिक्शा चलते हैं, ना गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ भी नहीं चलता, सिर्फ बाइक टैक्सी चलती है, मतलब बाइक पे लोग लेके जाते हैं. तो अभी हम बाइक कर रहे हैं, हमने 5-6 बाइकें कर दी हैं, तो चलो चलते हैं. ये हम दोनों जा रहे हैं बाइक पे, और हम गाड़ी खराब हो गई और हम दोनों को एक नया बिजनेस बना, हमें लग रहा है कि भाई इस लाइन में तो कुछ होगा नहीं. बाइक लेकर जितनी भी बाइक खरीदी है ना सारी यही लेकर आएंगे. हां सारी बाइकें यहीं पे, ये मथुरा के, ठीक है. और यहाँ पे बाइक टैक्सी है हमारी, बाइक चलाते हैं, बाइक का सिस्टम है तगड़ा यहाँ पे. भाई ने कहा भाई तुम आ जाओ अपनी बाइक लेके, मैं लगवा दूंगा. तो प्लान बन गया भाई पूरा मेरा और इसका, तो गौरव का मैं तो सारी बुलेट और यहां पर मामा सब यही लाऊंगा. गौरव भी मेरा नाम है, और ऊपर से आर्यन भाई बुलेट वगैरह, गौरव भी भाई का नाम, दोनों का नाम गौरव, इनकी तो जोड़ी भी मिल गई है. सपोर्ट फुल सपोर्ट. चलो चलते हैं ऊपर. तो गाइस ये बाइक स्टैंड है पूरा यहाँ पे मंदिर का रास्ता है, हमें ऊपर जाना है. और ये अब थका नहीं मैं नहीं थकता, मैं रेडबुल पीता हूँ. तो गाइस ये अपना महल है, जिसकी छत पे शायद हमको शूटिंग करनी है, और अभी अंदर चलते हैं. तो गाइज अभी सीन ये है कि ऊपर की परमिशन नहीं है, तो अभी हमने परमिशन ली है सिर्फ 4 लोगों की, वो 4 लोग ऊपर जाएंगे शूट करेंगे, तो मैं ऊपर का आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगा अभी. तो गाइज ये हंस रहा था मेरे को देख के, क्यों हंस रहा है भाई? पहली बार व्लॉग में इतने सही लग रहे हैं, है ना. ऐसी ये भाई अपूर्वा जी ने मेरे को आइडिया दिया कि फुल स्नैपचैट के फिल्टर में पूरा व्लॉग बना दो, ठीक है. क्या होगा, क्लैरिटी तो कम होगी पर वाइब तो पूरी आ जाएगी, ठीक है. तो अभी गाइज हम जिस महल के अंदर है ना उसकी ब्यूटी दिखाता हूँ मैं आपको. Thank you.
गाइस सीन है कि ऊपर शूट चल रहा है और हम नीचे वेट कर रहे हैं, और सामने का जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उधर सामने पेड़ पे एक बंदर बैठा है, एक बंदर ये बैठा है। तो गाइस शूट हो चुका है और यहाँ पे ये क्लिप्स देखी जा रही है, क्योंकि ऊपर शूट की टाइमिंग बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए था। अब ये क्लिप्स वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, कैसा रहा शूट? शूट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हमारे जो वीडियोग्राफर सर है, फोटोग्राफर हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उन्होंने मेरे को बहुत क्यूट लिया। तो गाइज ऊपर शूट करके आ चुके हैं, अब नीचे शूट चल रहा है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये हमारी राधा जी बैठी हैं। और मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको यहाँ क्या चल रहा है। नीचे ऊपर का शूट हो चुका है, ऊपर का जो था वो हो चुका है, नीचे का शूट हो रहा है। तो गाइज अभी हमने फ्रेम चेंज किया और मैं आपको फ्रेम दिखाता हूँ। सामने क्या फ्रेम है, ये खाली सोलो शॉट है मैम का, तो वो फ्रेम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज अभी मैंने कीर्ति मंदिर के सामने पार्किंग में अपनी चप्पल वप्पल उतार दिया, मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर। सब लोग पहुँच चुके हैं अंदर, क्योंकि उन्हें कैमरा वगैरह का सेटअप करना था, गिम्बल विम्बल लगाना था। तो चलो चलते हैं कीर्ति मंदिर के अंदर शूटिंग के लिए। तो गाइज अभी हम कीर्ति मंदिर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा गिम्बल सेटअप वगैरह सब कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर शॉट लेंगे। ये आप पीछे देख सकते हो कीर्ति मंदिर है। ले यार मैं ब्लॉग बनाऊं, रील बनाऊं, कितने काम सब बना। लेकिन लोग समझते ही नहीं है, मल्टी टैलेंटेड मैन, वही जो इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड होता है, मल्टी टैलेंटेड ही होता है। तो गाइस ये मैडम ने हाथ काटा था अपना, तो वो ठीक हो गया था, अब दोबारा अच्छा कटा हुआ है। ओह माय गॉड। तो गाइज हमें चाहिए था प्रॉपर शॉट जिसमें हाथ कटा हुआ दिखे, तो ये मेकअप से किया जा रहा है। कुछ ना कुछ नहीं है, कर लो भाई। तो गाइज मैं मतलब सोचता हूँ कि मैं ब्लॉग बना के थोड़ी बहुत इनकम स्टार्ट कर लूँ, लेकिन इन जैसे लोग मेरे को कह रहे क्या ब्लॉग लोग हैं। बोल सर में दर्द हो गया, बोलना क्या कह रहे हो? No comments. उसका रिएक्शन ही काफी चल। मैं कुछ कहता नहीं हूँ भाई, है इसलिए तो बता देता अभी। तो गाइस अभी तक सिर्फ दो लोकेशन हुई है और मैं पूरी तरीके से थक चुका हूँ, शाम हो चुकी है और हमारी टोटल 8 से 9 लोकेशन है, ठीक है। वृंदावन, हम वृंदावन में है, मथुरा में है और बरसाना में है। अभी हम बरसाना में 3 लोकेशन थी, उनमें से 2 हुई हैं, एक तो कीर्ति मंदिर और एक राधा रानी मंदिर। अब नेक्स्ट लोकेशन देखते कहाँ पे होगी। जहाँ तक है आज हमारा फोकस है 3 लोकेशन कर लेंगे, लेकिन हमारा जो शूट है वो खाली डे लाइट का, और लगभग 7 बज चुके हैं और अब पता नहीं अब क्या होगा। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। थका हुआ हूँ मैं तो। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं प्रेम सरोवर पे और यहाँ पे दिए वगैरह का सेटअप हो रहा है इस वाली लेन में, ठीक है। दिए जलाए जाएंगे, उसमें हमारी फीमेल एक्ट्रेस और खत्री भाई बैठेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, एक बार देखो। वैसे तो रात हो रही है, आपको इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो। तो गाइस सीन ये था, हमारा जो फ्रेम था वो था, लेकिन वहाँ पे बहुत हवा चल रही है तो दिए नहीं जल पा रहे, तो इस वजह से हमने ये सीढ़ियों का फ्रेम बनाया है दियो का। तो ये हमने 1 2 3 4 5 सीढ़ियों पे दिए लगाए हैं, ठीक है। अभी हवा रुकी हुई है, तो अभी हम टेक लेंगे यहाँ पे खत्री भैया और बुल्लर जी, सॉरी क्या नाम था, अपूर भल्ला जी बैठेंगे, फिर हम वीडियो बनाएंगे। तो फाइनली हमारा फ्रेम सेट हो चुका है, ये फ्रेम है हमारा, ठीक है। ये ऐसे लाइट आएगी और ये रहे हमारे भैया जो कि वीडियो बनाएंगे, और ये कृष्ण जी और राधा जी बात कर रहे हैं फालतू की बात।
जिसका कोई लेना ना देना शूट। तो गाइस सीन ऐसा है, प्रेम सरोवर की जो लोकेशन हमने कवर कर ली है, जो रात वाला पार्ट है और दिन वाला पार्ट भी है कल, तो वो हम सुबह आके कवर करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने, फिर हम जाएंगे अपने होटल में और फिर मैं ब्लॉग एंड करूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमने 3 लोकेशन कवर करी है, मतलब 2.5 बोल सकते हो आप, ही हमने आधी कवर करी है, इसको कल दोबारा कवर करेंगे। मिलते हैं फिर या तो खाने की लोकेशन पे या अपने होटल पे। बाय बाय। तो गाइस अभी खाना पीना चल रहा है, लंच ब्रेक हुआ है, दोनों गाड़ियां खड़ी हैं, थार उधर खड़ी है, ठीक है। प्रोडक्शन की गाड़ी अभी बाहर गई हुई है, ठीक है। ये डायरेक्टर साहब, ये दयाती साहब, ये पतारी डोबरियाल साहब, ये मेरे खाने की थाली, और अभी होटल पे एंड करेंगे ब्लॉग का। ये देखो थक गया है बेचारा। तो गाइस ये था हमारा आज डे 1 का व्लॉग। काफी मत्थे की ऐसी तैसी करने के बाद आ गए हम दोबारा से अपने होटल सोने। दिए जलाने के बाद अपने होटल पे आ गए सोने। हम सो रहे हैं भाई अब दिए वीए जला के। तो ये था डे 1 का व्लॉग जो कि बरसाना में हमने पूरा किया। बरसाना में एक सीन और रह गया जो कि हम कल सुबह कवर करेंगे। मैं व्लॉग डालेगा। और भाई क्या हो गया? तो गाइस ये था आज का व्लॉग, मेरे को कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। ये साइड में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरे को जल्दी से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पे काफी शोर हो रहा है तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।